नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु चौधरी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में 8वां T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें कितनी टीमें हिस्सा लेंगी, किस तरीके से मैच होंगे, कहां पर होंगे और आप उनकी जो ब्रॉडकास्टिंग है यानी कि उनका प्रसारण आप कहां देख सकते हैं। तो दोस्तों, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ल्ड कप जो है कहाँ होगा। वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में। कितने दिनों तक दोस्तों यह चलेगा, कितनी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी? तो दोस्तों, यह जो टूर्नामेंट है यह चलेगा पूरे 45 दिन तक और इसमें 16 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से 8 टीमों को तो सीधे ही प्रवेश दे दिया गया है, लेकिन जो बाकी की 8 टीमें हैं उनको 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। फिर उनमें से जो शीर्ष की 2 टीमें होंगी वह फिर सुपर 12 में पहुंचेंगी। तो दोस्तों, पहले दौर के जो मुकाबले हैं उनकी शुरुआत होगी 16 अक्टूबर से, वहीं जो सुपर 12 की शुरुआत है वो होगी 22 अक्टूबर से। बात करते हैं भारत के मैच की, तो दोस्तों भारत का जो मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ वो होगा 23 अक्टूबर को। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जो 2 ग्रुप बनाए गए हैं, जो 8 टीमों को जिनको प्रवेश नहीं दिया गया है उनके लिए 4-4 के ग्रुप बने हैं। तो जो पहला ग्रुप है ग्रुप ए, उसमें जो 4 टीमें हैं वह कौन सी होंगी? उसमें होंगी यूएई, नीदरलैंड, नामीबिया और श्रीलंका। वहीं जो दूसरा ग्रुप है ग्रुप बी, उसमें जो 4 टीमें हैं दोस्तों वो है वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे। फिर जो सुपर 12 के मुकाबले होंगे वो शुरुआत होगी उनकी 22 तारीख से। और दोस्तों, ये जो सारे मैचेस हैं ये किस किस मैदान पर खेले जाएंगे उनकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। ये जो सारे मैचेस हैं वो खेले जाएंगे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, कार्डिनिया पार्क स्टेडियम, द गावा, एडिलेड ओवल, बेलेरिव ओवल और पर्थ स्टेडियम। इन स्टेडियम्स में दोस्तों यह सारे मैचेस होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सुपर 12 में कौन कौन सी टीमें खेलने वाली हैं। उसमें दोस्तों 2 ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में कौन कौन सी टीमें हैं? तो ग्रुप ए में है दोस्तों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और ग्रुप ए की विजेता और ग्रुप बी की उपविजेता, ये टीमें आएंगी सुपर 12 में। और ग्रुप बी में दोस्तों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और ग्रुप ए की उपविजेता और ग्रुप बी की विजेता। अब बात करते हैं दोस्तों कि T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल है वो कब खेला जाएगा। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल है वह 9 और 10 नवंबर को खेला जाएगा। और दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल होगा वो होगा 13 नवंबर को। और अब दोस्तों सबसे जरूरी बात कि यह जो मैचेस हैं यह आप कहां पर देख सकते हो, मोबाइल पर कहां देख सकते हो और अपने टीवी पर कैसे देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आप अपने टीवी पर किस तरीके से देख पाएंगे। अगर आपके पास रिचार्जेबल डिश है यानी कि पेड डीटीएच है तो आप इसको जो है स्टार नेटवर्क पर ये सारे मैचेस आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास पेड डीटीएच नहीं है, आपके पास केवल फ्री डिश है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप भारत के सभी मैच फ्री डिश पर भी देख सकते हो। बस आप भारत से जो दूसरे मैचेस हैं उनको नहीं देख पाओगे, लेकिन भारत के सारे मैचेस आप फ्री डिश पर भी देख सकते हैं और यह मैचेस आएंगे डीडी स्पोर्ट्स पर। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप इन मैचेस को मोबाइल पर कहां देख सकते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल पर यह जो सारे मैचेस हैं ये आएंगे हॉटस्टार पर। जी हाँ, अगर आपके पास हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो फिर आप अपने मोबाइल पर यह सारे मैचेस फ्री में देख सकते हैं सभी टीमों के। और दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर, तो फिर दोस्तों आपके पास हॉटस्टार का जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको यह सारे सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री में चाहिए, कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, उसमें आपको यह सारे सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और टीम इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु चौधरी, फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।